दोस्तों आईपीएल 2022 का सीजन हम सभी को जल्दी देखने को मिलेगा। आने वाले एक हफ्ते में बीसीसीआई खुद ही आईपीएल का शेड्यूल और साथ में आईपीएल की स्टार्टिंग डेट अनाउंस करने वाली है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात करेंगे और जानेंगे आरसीबी की टीम की आज क्या क्या टॉप अपडेट्स आई है। आरसीबी की टीम के नए स्पिनर्स को लेकर बड़ी अपडेट है। इसके अलावा आरसीबी की टीम का कौन होगा फिनिशर, ये मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने बताया कि आरसीबी की टीम का आईपीएल 2022 में कौन फिनिशर होने वाला है, ये दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग आरसीबी की टीम के फैन हो तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को माय 11 सर्कल ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों कर्नाटका के लोगों के लिए गुड न्यूज है कि अब माय 11 सर्कल ऐप कर्नाटका में वापस आ चुका है और अगर आप लोग कर्नाटका में रहते हो तो आप लोग माय 11 सर्कल को अब एंजॉय कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों माय 11 सर्कल ऐप पे 1,00,000 रुपए का फ्री मेगा गिव अवे चलने वाला है, जहाँ पर दोस्तों आप लोग बिल्कुल फ्री में 1,00,000 रुपए जीत सकते हो। इंडिया और वेस्ट इंडीज के तीसरे T20 मुकाबले के दौरान ये गिव अवे चलेगा और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ माय 11 सर्कल ऐप को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट वाले लिंक से डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिसके बाद आप लोग इस गिवअवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों मेगा कॉन्टेस्ट के विनर को यहां पर ब्रांड न्यू महिंद्रा थार मिलेगी और इसके साथ ही आप लोगों को मौका मिलेगा वीवीएस लक्ष्मण के साथ में खेलने का और साथ में आप लोग अपनी विनिंग का 5 गुना ज्यादा भी कर सकते हो। इसके साथ ही आपको 20% एक्स्ट्रा कैश आपकी पहली डिपॉजिट पर भी मिलेगा। अगर आप लोग दोस्तों अभी इस ऐप को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट वाले लिंक से डाउनलोड करते हो तो फटाफट माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करिए और माय 11 सर्कल ऐप पे अपनी टीम जरूर बनाए। दोस्तों अब लगभग 1 महीने का समय और रह गया है और हम सभी को आईपीएल शुरू होता हुआ दिखाई देगा। आरसीबी की टीम का कंप्लीट स्क्वाड तो तैयार हो ही चुका है, अब आरसीबी की टीम प्लेइंग 11 बनाने में लगी है। साथ ही में आरसीबी की टीम का कप्तान भी हम सभी को आने वाले 2 या 1 दिन में अनाउंस होता हुआ दिखाई देने वाला है। आज की बड़ी अपडेट की बात करें तो पहली अपडेट विराट कोहली को लेकर आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है भारत और श्रीलंका के बीच 24 फरवरी से T20 और टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, लेकिन दोस्तों विराट कोहली जो है वो हम सभी को T20 सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे, उनको बीसीसीआई ने रेस्ट दिया है या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने खुद ही रेस्ट ले लिया है। लेकिन दोस्तों जो आने वाली सीरीज होगी उसमें हम सभी को विराट कोहली नहीं दिखेंगे। इसके साथ ही जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आज T20 मुकाबला खेला जाएगा उसमें भी विराट कोहली नहीं रहेंगे। तो ये विराट कोहली के फैंस के लिए अपडेट थी। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो आरसीबी की टीम के स्पिनर्स को लेकर आ रही है। तो यहाँ पर आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम के स्क्वाड में 6 स्पिनर शामिल है, वनिंदु हसरंगा, अनीश्वरम गौतम, करण शर्मा, शाहबाज अहमद, महिपाल लामरोर और ग्लेन मैक्सवेल। ये हैं दोस्तों वो सभी आरसीबी की टीम के स्पिनर, जिनमें से ग्लेन मैक्सवेल और महिपाल लामरोर पार्ट टाइम स्पिनर है, लेकिन जो बाकी के 4 है वो दोस्तों अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है आरसीबी की टीम इन 6 स्पिनर्स में से कितनों को प्लेइंग 11 में खिलाएगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब दोस्तों यहाँ पे अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो आरसीबी की टीम के नए फिनिशर को लेकर आई है। तो आकाश चोपड़ा ने दोस्तों अपनी एक रिसेंट वीडियो में आरसीबी की टीम के लिए एक सजेशन दिया है। आकाश चोपड़ा का ऐसा कहना है कि अगर हम आरसीबी की टीम के मिडिल ऑर्डर को देखते हैं तो हम सभी को महिपाल लामरोर, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत दिखाई देते हैं और उनको लगता है कि आरसीबी की टीम प्लेइंग 11 में एक ऐसे गेम चेंजर को खिलाना चाहेगी जो कि मिडिल ऑर्डर में आके फिनिशिंग भी कर दे, साथ ही में आरसीबी की टीम को वो मोमेंटम भी दिला सके। तो यहाँ पर आकाश चोपड़ा ने शरफन रदरफोर्ड को वो खिलाड़ी बताया और आकाश चोपड़ा ने साथ में ये भी कहा कि शरफन रदरफोर्ड को अगर आरसीबी की टीम चाहे तो हर मुकाबले में खिलाना चाहेगी और ये जिस तरीके के खिलाड़ी इनको हर मुकाबले की प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए। अब दोस्तों खिलाड़ी तो जबरदस्त है लेकिन हम सभी को भी पता है कि प्लेइंग 11 में केवल 4 ही विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं, जॉस हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, वनिंदु हसरंगा और फाफ डु प्लेसिस पहले ये 4 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो ऐसे में शरफन रदरफोर्ड की जो जगह है वो हम सभी को बनती हुई नहीं दिखाई देती। आप लोगों को दोस्तों क्या आरसीबी की टीम को क्या वनिंदु हसरंगा को प्लेइंग 11 में कंसिडर करना चाहिए या आप लोग शरफन रदरफोर्ड को उनसे आगे रखोगे, आप लोग कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और दोस्तों ऐसे आरसीबी की टीम के अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, साथ ही में माय 11 सर्कल ऐप को नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट वाले लिंक से डाउनलोड करें और आज के मुकाबले के लिए अपनी टीम जरूर बनाइएगा। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।